नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश बेरोजगारी भत्ते पर रार में। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में फिलहाल बेरोजगारी भत्ते को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी जारी है। भूपेश बघेल के बेरोजगारी भत्ते को सरकार का एक और मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, तो वहीं सरकार के इस कदम के बाद से विपक्ष तिलमिलाया हुआ है। चर्चा को विस्तार दें उसके लिए पहले देख लीजिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें युवा वोटर पर हैं। ऐसे में चुनाव के 6 महीने पहले बेरोजगारी भत्ता देकर भूपेश सरकार ने भाजपा से एक और मुद्दा छीन लिया है। सरकार ने 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। भाजपा इसे खैरात बांटने की बात कर रही है, तो वही कांग्रेस इसे युवाओं का हक बता रही है, जो युवाओं के करियर बनाने में मददगार होगा। योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। योजना के तहत 20 दिनों के भीतर ही 30,000 आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया। बेरोजगारीभत्ता.cg.nic.in नाम से पोर्टल बनाया गया। अब तक बेरोजगारी भत्ता पोर्टल पर 91,000 से ज्यादा आवेदन मिले। दस्तावेज सत्यापन के बाद 57,207 लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है। 30,000 युवाओं का बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत कर लिया गया। बेरोजगारी भत्ते की राशि ₹2,500 सीधे आवेदकों के बैंक के खाते में DBT द्वारा ट्रांसफर की जा रही है। दरअसल प्रदेश सरकार के मुताबिक इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगारों को प्रति माह ₹2,500 भत्ता देने के साथ ही उन्हें कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाना है। बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन करने की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है और न ही पोर्टल के खुलने या बंद होने का समय तय किया गया है। पोर्टल 7 दिन 24 घंटे खुला है। आवेदक इस पोर्टल पर अपनी सुविधा अनुसार कभी भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं सरकार ने बेरोजगारी भत्ते की पात्रता के लिए कुछ मापदंड तय किए हैं, जिनमें आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है। 1 अप्रैल को आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक 12वीं कक्षा पास हो, साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो, उनका रोजगार पंजीयन न्यूनतम 2 वर्ष पुराना हो, आवेदक का स्वयं की आय का कोई स्रोत न हो और आवेदक के परिवार के सभी स्रोतों से भी वार्षिक आय ₹2,50,000 से कम हो। पूर्व मंत्री और भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने 30,000 युवाओं का बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत होने पर कहा, क्या खैरात से जवानी कभी पलेगी? जवानी को बढ़ना है तो खैरातों को छोड़ना पड़ेगा। जवानों को चुनावी उपकरण नहीं बनाया जा सकता। कौशल विकास के लिए 3 साल के बजट को सर्वाधिक करना चाहिए। खैरात से जवानी कभी पलेगी? जवानी को यदि बढ़ना है तो खैरातों को छोड़ना पड़ेगा। और मैं तो आपके माध्यम से कहूंगा कि छत्तीसगढ़ की जवानी को इन खैरातों से दूर रहना चाहिए। ये चुनावी उपकरण नहीं बनाया जा सकता जवानों को। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा, 2003 का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए। भाजपा ने 12वीं पास को नौकरी और ₹500 बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि के तौर पर सरकार में बैठे हैं। जनता का पैसा टैक्स के रूप में आता है, उसका संचालन सरकार करती है। हम भत्ता दे रहे हैं तो ये खैरात में नहीं, ये युवाओं का हक है। देखिए, 2003 का मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का देख लीजिए। उन्होंने कहा था 12वीं पास पढ़े युवाओं को नौकरी देंगे, अगर नौकरी नहीं देंगे तो ₹500 बेरोजगारी भत्ता देंगे। जनता का पैसा जो टैक्स के रूप में आता है वही सरकार संचालन करती है। हम अगर दे रहे हैं तो खैरात में नहीं दे रहे हैं, जनता का पैसा हम जनता को दे रहे हैं। बहरहाल, शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की शुरुआत कर भूपेश सरकार ने किसानों के साथ अब युवाओं पर भी दांव खेल दिया है। वहीं भाजपा जवानों को चुनावी उपकरण नहीं बनाने की बात कर रही है। अब देखना होगा युवाओं को दी जा रही इस बेरोजगारी भत्ते का आगामी चुनाव में कितना असर पड़ता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं जिनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस के नेता अजय साहू जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में।
हमारे साथ बीजेपी नेता उमेश घोरमोड़ी जी जुड़ चुके हैं। उमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार जी जुड़ चुके हैं। राम अवतार जी, आपका भी बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। सबसे पहले मैं कांग्रेस नेता का रुख करना चाहूंगी अजय जी का। अजय जी, मेरा सवाल आपसे है कि आपकी सरकार ने घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया था और 1 अप्रैल से उसके आवेदन भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन 4.5 साल तक बेरोजगारी भत्ता आखिरकार युवाओं को क्यों नहीं दिया गया? चुनाव नजदीक है, ऐसे में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, क्या माना जाए? चुनावी स्टंट है ये? अजय जी, देखिए शिवांगी जी, मैं सबसे पहले ये स्पष्ट कर दूं कि हमने अपने घोषणा पत्र में ये कभी नहीं कहा था कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। हमने कंडिका 4 में हमारा जो जन घोषणा पत्र था उसमें हमने कहा था राजीव गांधी युवा मितान क्लब के माध्यम से युवाओं को जोड़ करके उन्हें 2500 रूपये हर महीने कमाने के योग्य बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। वो अलग विषय था, उसमें काम चल रहा है, लेकिन ये जो बात आई है 2500 रूपये बेरोजगारों को देने की, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4.5 वर्षों में ये अनुभव किया है कि प्रदेश के जो पढ़े लिखे लड़के हैं जिन्होंने पंजीयन कराया हुआ है और 2 साल से उनको किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिल पाया है, तो जिस तरीके से घर परिवार का जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है, परिवार का मुखिया होता है, वो घर के उस बेटे को पॉकेट मनी देता है ताकि उससे वो उस पैसे से वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर सके, फॉर्म भर सके, इसमें सहायता मिल सके, कहीं उसे इंटरव्यू देने जाना हो तो उसमें वो रकम काम आए, उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता ना हो, ऐसी परिस्थितियों से हमारे युवाओं को दो चार ना होना पड़े, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया है। और आज 30,000 से अधिक युवाओं का चयन हुआ है, उसकी बहुत ही बारीकी से जांच करके जो पात्र व्यक्ति है उनको ये चीज दी जा रही है। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय चंद्राकर जी की। वो कहते हैं कि खैरात दिया जा रहा है, तो उनको ये बताना चाहिए कि केंद्र की जो मोदी सरकार है उसने अडानी को जो अरबों खरबों रुपए का खैरात के रूप में उसका जो कर्जा माफ किया है और पूरा विपक्ष उस पर जांच की मांग कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी के कान में जू नहीं रेंग रही है। उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता और गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास तय करता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किससे मिलेंगी किससे नहीं मिलेंगी। तो ये सारी जो चीजें आज देश में चल रही है उनको उस दिशा में चिंतन करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अपने प्रदेश के युवाओं को किस तरीके से उनका भविष्य उज्जवल किया जा सके, किस तरीके से उनको सहायता प्रदान की जा सके ताकि उन्हें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, इसलिए हमने ये बात कही। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने जो बात कहा कि 2003 में इन्होंने कहा था 12वीं पास को नौकरियां देंगे, 15 वर्षों में कितने 12वीं पास को नौकरियां दी, इसका जवाब अजय चंद्राकर जी को देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए, डॉक्टर रमन सिंह जी को देना चाहिए। 500 रूपये बेरोजगारी भत्ता इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था, कितने बेरोजगारों को दिया, उसमें क्या एक लाइन की फाइल भी चली? तो सत्ता आने से पहले भारतीय जनता पार्टी का चरित्र अलग होता है, सत्ता आ जाने के बाद इनका चरित्र बदल जाता है। यही परिस्थितियां इससे पहले भी हुई थी, काला धन आने वाला था, 30 रूपये में पेट्रोल मिलने वाले थे, जो कुछ नहीं हुआ, 2 करोड़ नौकरियां मिलने वाली थी वो भी नहीं हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी को अपनी चिंता करनी चाहिए। और जो बार बार ये लोग कहते हैं कि चुनावी स्टंट है, तो ये चुनावी स्टंट भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनाते हैं, कांग्रेस पार्टी तो जो कहती है वो करती है, और भूपेश है तो भरोसा है जो स्लोगन चल रहा है वो दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ जनता जो है भूपेश बघेल के नाम पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनको यकीन है कि छत्तीसगढ़ का भविष्य सुरक्षित हाथों में। चलिए उमेश जी से इसका जवाब ले लेते हैं। उमेश जी, आपकी पार्टी की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी खैरात बांट रही है। मेरा सवाल ये है कि जब 15 साल रमन सिंह की सरकार छत्तीसगढ़ में थी तब युवाओं को मोबाइल फोन फ्री में बांटे गए थे, क्या तब खैरात नहीं थी? उमेश जी, देखिए अजय जी ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, आपका भी सवाल यहां पर जायज है, उस पर भी आऊंगा, लेकिन जिस प्रकार से बेरोजगारी भत्ता और बेरोजगारी भत्ते के नाम पर चुनाव के समय में युवाओं के साथ छल, और कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जब जब चुनाव आते हैं ये चुनाव में युवाओं को तमाम वर्गों को छलने का प्रयास करते हैं, 2018 में भी हमने देखा था, और वर्तमान में जिस प्रकार से बेरोजगारी भत्ते के नाम पे युवाओं को कतार पे लगाया जा रहा है और जिस हिसाब से आवेदन आ रहे हैं, 91,000 आवेदनों का आ जाना
भूपेश बघेल जी के उस झूठ को, उस फरेब की पोल खोलने का काम करता है जो कहते थे कि छत्तीसगढ़ में एक भी बेरोजगार नहीं है। ये सीधे तौर पे 91,000 आवेदन उन दावों की पोल को खोलने का काम यहां पर करता है। और जिस प्रकार से लगातार भूपेश बघेल जी कहते रहे हैं कि इस प्रदेश के अंदर में बेरोजगारों का आंकड़ा देते हुए सदन के अंदर हुआ पोस्टर लगाने का विषय, उन तमाम दावों की पोल यहां पर आज खुलती हुई दिख रही है। और जिस अनुपात में आवेदन आए हैं, 91,000 आवेदन आते हैं और उनमें से 70% से अधिक आवेदनों को रद्द कर दिया जाता है, यानी सीधे तौर पे युवाओं को कह दिया जाता है या ठग दिया जाता है कि भैया तुम्हारे लिए बेरोजगारी भत्ता नहीं है, क्योंकि हमने ऐसे नियम कंडिका बनाए हैं जो इस बात को स्पष्ट करते हैं, इस बात को इंगित करते हैं कि हम चुनावी मोड में हैं और हम किसी को देना नहीं चाहते, इसलिए महज 250 करोड़ का प्रावधान बजट के अंदर में बेरोजगारी भत्ता के नाम पर ये कर आते हैं। अभी अजय जी कह रहे थे घोषणा पत्र का जिक्र कर रहे थे, घोषणा पत्र का ही अगर मैं जिक्र कर लूं तो टीएस सिंहदेव साहब ने तात्कालिक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी और प्रदेश के प्रभारी पीएल पुनिया साहब के सामने कहा था कि हम प्रति वर्ष बेरोजगारी भत्ता, जिसे हम स्टाइफन कहेंगे, 3,000 करोड़ का प्रावधान बजट में करेंगे। ये महज 250 करोड़ का प्रावधान करते हैं, मतलब सीधे तौर पे छत्तीसगढ़ के युवाओं का हक का पैसा 15,000 करोड़ पर ये डाका डालने का काम करते हैं और सीधे तौर पर छलने और ठगने का काम करते हैं। अभी आप कह रहे थे कि हमारे शासनकाल के समय में मोबाइल और तमाम तरह के विषय, निश्चित तौर पर हमने मोबाइल भी दिया युवाओं को, क्योंकि उस समय वक्त की मांग थी। हमने युवाओं को लैपटॉप भी दिया, उस समय वक्त की मांग थी। हमने युवाओं को कौशल विकास का कानूनी अधिकार दिया और छत्तीसगढ़ को देश का पहला राज्य जो कौशल विकास को कानूनी अधिकार देता है उस गौरव तक पहुंचाने का काम किया। कांग्रेस के नेता बता दें कि भैया कौशल विकास के लिए आपने क्या प्रावधान किए। जी उमेश जी, क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खैरात नहीं दी जा रही थी और अब इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि कांग्रेस पार्टी जो है बेरोजगारी भत्ता के नाम पर खैरात बांट रही है, और जब रमन सिंह की सरकार थी तब तमाम तरीके के लैपटॉप युवाओं को बांटे गए, मोबाइल फोन फ्री में बांटे गए, तो क्या तब खैरात नहीं थी उमेश जी? मैं आ रहा हूं उसमें। देखिए, आपने बहुत बहुत अच्छा सवाल किया है, मुझको थोड़ा सा समय देंगे, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं ना, हमने मोबाइल भी दिया युवाओं की, वक्त की डिमांड थी, हमने उनके एजुकेशन को आगे बढ़ाने, टेक्निकल रूप से आगे बढ़ने के लिए लैपटॉप भी दिया, उनको हम रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए, हमने उनका कौशल विकास भी किया, हम राज्य के बाहर भी उनको प्रशिक्षण के लिए भेजे, उनको रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए, शासकीय नौकरी भी हमने उनको उपलब्ध कराई, वो उनका अधिकार था। लेकिन जिस प्रकार से अभी छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ यहां पर छल किया जा रहा है और सीधे तौर पर जो उनका अधिकार है उस अधिकार को रोकने का पाप या अगर सरकार कर रही है, कांग्रेस की सरकार, और इस प्रकार से बेरोजगारी भत्ता देकर के बरगराने का प्रयास कर रही, तो हम उसे खैरात ही कहेंगे। क्योंकि मैं यहां पर पूछना चाहूंगा इस कांग्रेस की सरकार से, भूपेश बघेल जी से, कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर मौजूद है, क्या छत्तीसगढ़ के युवाओं का वो अधिकार नहीं है कि 2018 से जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती की परीक्षा रुकी है उस भर्ती को आगे बढ़ाएं, युवाओं को उनका अधिकार दें? 2018 से विधानसभा के अंदर में असिस्टेंट ग्रेड 3 की परीक्षा रुकी हुई है, उसको आगे बढ़ाएं, युवाओं को उनका अधिकार दें? 2018 से ही एसीएफ का रिजल्ट रुका हुआ है, आप क्यों रोक करके बैठे हुए? 2021 की पीएससी की अगर मैं बात करूं, पूरे छत्तीसगढ़ में चपरासी से लेकर के डिप्टी कलेक्टर तक की भर्ती परीक्षा रुकी हुई है, उस अधिकार को देने का काम ये कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं करती है? अगर 2018 की अगर मैं बात कर लूं तो आवास एवं पर्यावरण विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर की भर्ती को लटका करके रखने का पाप करते हैं। आयुर्वेदिक विभाग में अगर मैं बात करूं तो मेडिकल की परीक्षा रुकी हुई है, अगर थेरेपिस्ट परीक्षा की बात करूं तो वो रोक करके रखी हुए हैं, अगर कैजुअलिटी मेडिकल स्टाफ की बात करूं तो वो ये रोक करके रखे हैं। शिक्षक भर्ती के 12,000 पदों पर घोषणा तो करते हैं लेकिन भटकी भर्ती को लटकाने का पाप ये कहते हैं। सरकारिता विभाग की अगर मैं बात करूं तो सहकारिता विभाग में 3,000 पदों के ऊपर कुंडली मार करके बैठे हुए हैं लेकिन युवाओं को उनके रोजगार का अधिकार ये नहीं दे रहे हैं। अगर आयुष विभाग के अंदर की अगर मैं बात करूं तो 6,000 पदों को रोक कर रखने का पाप किए हैं। ये तमाम पद जो है वो छत्तीसगढ़ के भोले भाले युवाओं के अधिकार है साहब, और अगर आप अधिकार को रोक करके इस प्रकार की चीजें करेंगे तो हम उसे खैरात जी। अजय जी से मेरा सवाल है, अजय जी, क्या राज्य सरकार की तरफ से ऐसा कोई रोड मैप तैयार किया जा रहा है क्या कि बेरोजगारी भत्ता की जगह युवाओं को रोजगार दिया जाए, ऐसा कोई रोड मैप राज्य सरकार की तरफ से? अजय जी,
देखिए शिवांगी जी, ये बेरोजगारी भत्ता कोई जीवन भर देने की चीज नहीं है। जो युवा कमजोर है, जिसको आर्थिक जरूरत है, जिसको आर्थिक पैसे की आवश्यकता है, उसके जेब में पैसा डाल करके उसे आर्थिक रूप से किस तरीके से मदद की जाए, मैंने पहले भी कहा है उस दिशा में ये काम हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीवन भर उसको बेरोजगारी भत्ता देंगे। उस बीच में उसके लिए कौशल उन्नयन के माध्यम से उसके रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। 2018 में जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ, उस समय छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 18 से 19% थी, जो आज घट करके 0.7% अगर है, तो ये भूपेश बघेल जी का रोड मैप ही है जिसके कारण आज ये स्थितियां निर्मित हुई है। इन्होंने बात कही बहुत सारी भर्तियां रुकी हुई है, मैं मानता हूं बहुत सारी भर्तियां रुकी हुई है, क्योंकि राजभवन ने आरक्षण विधेयक को रोक करके रखा हुआ है। और ऐसे बहुत सारे विधेयक हैं जो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लड़ाई जब सीधी नहीं लड़ पाती है तो वो इस तरीके के हथकंडे अपनाती है, और राज्यपाल को इन्होंने बदल दिया। दूसरे राज्यपाल से मीडिया जब प्रश्न करती है कि आप आरक्षण विधेयक क्यों रोक के रखे हैं, तो राज्यपाल को छोड़ करके भागना पड़ता है। मीडिया दिखाती है, स्क्रीन में देख के युवा सोचते हैं कि ये किस तरह का लोकतंत्र है। यहाँ पर राज्यपाल जवाब देते नहीं बन रहा है राज्यपाल को। राज्यपाल के ऊपर कौन ऐसे लोग हैं जो दबाव बनाने का काम कर रहे हैं? और आप इस तरह से उंगली मत उठाइए, जब आपका समय आएगा तब बोलिएगा, अभी उंगली नीचे रखिए और सुनिए मेरी बात। भारतीय जनता पार्टी लगातार छत्तीसगढ़ियों का अपमान करती है, छत्तीसगढ़ के किसानों का अपमान करती है, छत्तीसगढ़ के युवाओं का अपमान कर रही है खैरात बोल करके। और जब वही खैरात माननीय प्रधानमंत्री जी अपने पूंजीपति मित्रों का कर्जा माफ कर देते हैं, उसके बदले में उनके विमान में यात्रा करके चुनाव प्रचार करते हैं, तो वो खैरात नहीं होता। अरे अडानी का जहाज क्या आप खैरात में लेते हो? अडानी का जो कर्जा आप माफ करते हो, अंबानी का जो कर्जा माफ करते हो, वो कौन सा खैरात है? अरे अगर छत्तीसगढ़िया गरीब युवा के जेब में अगर सरकार 2500 रुपए की पॉकेट मनी देने का काम करती है ताकि उसे कहीं जाना ना पड़े, उसे किसी के सामने हाथ ना फहराना पड़े, तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होती है। अजय जी, समय का अभाव है, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए, राम अवतार जी, राम अवतार जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राम अवतार जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2500 रुपए देने की घोषणा की गई है, आवेदन भी आना शुरू हो चुके हैं, आपको क्या लगता है, क्या राज्य सरकार की तरफ से 2500 रुपए देने की बजाय उचित शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, उनको शिक्षा दी जाए? राम अवतार जी क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रदेश के जो युवा हैं उन युवाओं को रोजगार देने के लिए हर संभव कोशिश सरकार को करनी चाहिए, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी स्तर पे हो या अन्य तरीके से वो आत्मनिर्भर बन पाए, उस दिशा में सरकार को प्रयास करनी चाहिए, सरकार को रोडमैप तैयार करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ एक तेजी से विकास करता हुआ राज्य है, इस राज्य में अपार संभावनाएं युवाओं के लिए है, तो उसके लिए अलग अलग तरीके से विचार विमर्श करके रोडमैप तैयार करके विभागों को अलग अलग दिशा निर्देश देके और बेहतर तरीके से प्रबंधन करके कौशल प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है वो अगर बेहतर चलाए सरकार, क्योंकि हम देखते हैं कि जो युवा ज्यादा पढ़ नहीं पाते, ज्यादा जल्दी छोड़ देते हैं आर्थिक कारणों से, सामाजिक कारणों से या पारिवारिक कारणों से, उन युवाओं को कौशल विकास के तहत बड़े बड़े काम, अच्छे काम, जिसकी जरूरत है, जिसमें पैसा भी है, जिसमें सम्मान भी है, तो उसके लिए कोई भी सरकार, आप चाहे छत्तीसगढ़ सरकार ने, दूसरे सरकार भी जिस तरह से द्वार खोलनी चाहिए, उस दिशा में नहीं हो रहा है। जैसे हम प्लम्बर है और मजदूरी के अलावा अन्य के जिससे काम होते हैं, बिजली के काम होते हैं, उस तरह के प्रशिक्षण अगर युवाओं को दिया जाए बेहतर तरीके से, जो इसमें उद्योगपति जो है वो बड़ी भूमिका भी वो भी निभा सकते हैं, उनको स्किल की जरूरत पड़ती है, तो उस दिशा में सरकार के अलावा सामाजिक संस्थाएं, उद्योगपति और शिक्षा व्यवस्था को भी इस दिशा में क्रमबद्ध परिवर्तन करते हुए काम करना चाहिए, तो ही बेरोजगारी जो खत्म हो सकती है, अन्यथा ये चुनावी मुद्दा अलग बात है जी। दूसरी बात जो है जी, जो बेरोजगारी भत्ता दी जा रही है, बेरोजगारी भत्ता को इस लहजे से देखना चाहिए कि जो युवा संघर्ष कर रहे हैं, जो आत्मनिर्भर बनने की जिनकी महत्वाकांक्षा है, जिनकी इच्छा शक्ति है, घर में अभाव है, ऐसी परिस्थितियों में उन युवाओं के लिए ये पैसा बहुत उपयोगी साबित हो सकता है।
अब उन युवा जो लोग पढ़ लिख रहे हैं उनको परीक्षा में आवेदन के समय, परीक्षा देते समय, पुस्तक कॉपी खरीदते समय या कहीं आवागमन में आने जाने के समय ठहरने की जो व्यवस्था, उस लहजे से एक स्वयं आत्मनिर्भर हो माँ बाप से मांगते हैं या नौकरी पेशा करते करते वो परीक्षा दिलाते हैं, उन युवकों के लिए ये बेहतर अवसर हो सकता है। तो इस दिशा में इसको सोचा जाना चाहिए। अब उसको अलग अलग खैरात बांट रहे हैं, तो हर सरकार जो है ऐसी योजना लाती है, चाहे वो महिला वर्ग जो बड़े मतदाता हैं, किसानों के लिए, शिक्षित बेरोजगारों के लिए, जो बुजुर्गों के लिए, तो कमोबेश हम सरकार परिवर्तन होते रहते हैं। सरकार जो है किसी न किसी एक वर्ग को प्रभावित करने के लिए उन इस तरह की योजनाएं लाती है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अपनी अलग जगह है। हर सरकार जिसको आप खैरात बोल रहे हैं वो के लिए अलग तरीके से आत्मनिर्भर बनने, एक समाज को दिशा देने, एक राज्य को दिशा देने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और अगर कहीं कहीं अन्याय हो रहा है या पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए सरकार का काम वेलफेयर का काम होता है। वेलफेयर काम अगर सरकार करती रही वही सरकार बेहतर है। समय का अभाव है, वेलफेयर का काम ले लेते हैं अलग अलग तरीके से सरकार करती है। हर सरकार को करना भी चाहिए। शिवांगी जी, मेरी प्रतिक्रिया आई नहीं है। अजय जी ने तो बहुत कुछ कह दिया है। मैं जरा जवाब दे दूं। जी जी कहिए, आप अपना जवाब दीजिए। जी देखिए, लगातार यहाँ पर अजय जी छत्तीसगढ़ के युवाओं के हित की बात कर रहे थे, लेकिन वे ये नहीं बताते कि 91,000 आवेदन आते हैं और उसमें से 70% युवाओं को बेरोजगारी भत्ता से वंचित कर दिया जाता है। आपको साहब छत्तीसगढ़ के युवाओं का हितैषी तब माना जाएगा जब आप 70% आवेदन पर निर्णय लेते हुए सभी को बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। एक तरफ तो सदन के अंदर में 18 लाख पंजीकृत बेरोजगारों की बात निकल करके आती है, लेकिन जब आवेदन की प्रक्रिया चलती है तो तरह तरह की नियम कंडिकाएं बताती है कि इस प्रदेश की सरकार की नीयत में खोट है। वो जरा भी इस प्रदेश के युवाओं के साथ न्याय नहीं करना चाहती, वो अन्याय करने के मूड में है, केवल चुनावी लाभ लेने के मूड में है। अभी आरक्षण में लगातार यहाँ पर कह रहे थे, 2018 की जो भर्ती थी। उमेश जी, मेरा भी आपसे एक सवाल है। लगातार कांग्रेस पार्टी भी ये आरोप लगाती रही है कि छत्तीसगढ़ में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं पर 15 साल में फोकस नहीं किया और इसी वजह से छत्तीसगढ़ में अभी बेरोजगारी दर बढ़ी है। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगते आ रहे हैं लगातार। उमेश जी, क्या जवाब देंगे? देखिए, कांग्रेस के नेता तो पहले आपस में ही तय कर लें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कभी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक भी बेरोजगार नहीं है, फिर जब आंकड़े निकल करके आते हैं, 91,000 आवेदन निकल करके आते हैं, तो यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ ही तैसी बनने का ढोंग करते हैं। फिर ये किसी मंच पर कहते हैं कि भैया हमने तो सब बढ़िया बढ़िया कर दिया, लेकिन जो भर्ती परीक्षाएं लटकी हुई है, जिस पर ये आरक्षण का बहाना बनाते हैं, 2018 से लगातार लटकी हुई है, उस पर ये कहीं कोई जवाब नहीं देते कि उन युवाओं के साथ कब होगा न्याय। आप तो ढोल पीट पीट के कहते थे 18 के अंदर में कि अब होगा न्याय, कांग्रेस की सरकार आएगी तब होगा न्याय। अरे भैया, 4.5 साल बीत गए, छत्तीसगढ़ का युवा पूछ रहा है कब होगा न्याय, कब होंगी भर्ती परीक्षाएं, कब उनको मिलेगा उनका अधिकार। उनका अधिकार है उनको रोजगार के अवसर। चलिए उमेश जी, समय का अभाव है, आखिरी प्रतिक्रिया आज जी लेना चाहूंगी। सिद्ध होगा जब उनको रोजगार का अभाव है। समय का अभाव है, लगातार आपसे कह रही हूं, समय का अभाव है उमेश जी। भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दे नहीं है, तो ये कहते हैं कि आपने 70% क्यों नहीं किया। ये इन्होंने फॉर्म भरवाया था प्रधानमंत्री आवास का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 16 लाख आवास की जो फॉर्म की आप बात कर रहे हो उसको आप ला करके दो, मुझे दे दो, मैं सत्यापित करा लूं, या फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को दे दो। तो ये उसको एकांत परिसर में दबा के रखे हैं। बरगलाने का काम, ठगने का काम अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। इस प्रदेश के लोगों को 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा संस्कृति से दूर रखा, छत्तीसगढ़ के लोगों को छत्तीसगढ़ की माटी से दूर रखा,
बस्तर की हमारी बेटियों को कौशल उन्नयन के नाम पर, कौशल उन्नयन के नाम पर बस्तर की बेटियों को शराब कैसे परोसी जाती है, ये सिखाने वाले लोग आज छत्तीसगढ़ के युवाओं के हितैषी बनने का काम कर रहे हैं। इनका ढोंग बता रहा है, इनका चरित्र बता रहा है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव आने वाले हैं, इसलिए ये ढोंग करना शुरू कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है, छत्तीसगढ़ का युवा जान रहा है 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्या आशा होने वाला है। चलिए अजय जी, उमेश जी, राम अवतार जी, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल बेरोजगारी भत्ते को लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रही है कि बेरोजगारी भत्ते की जगह युवाओं को खैरात बांटी जा रही है, और दूसरी तरफ युवाओं को कहा जा रहा है कि उनके लिए ये आगे के लिए अवसर दिए जा रहे हैं। आज की चर्चा में इतना ही, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।